हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पैरा नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो द साउंड ऑफ म्यूज़िक है, इसमें इवरीन की किस प्रकार से उसने सीखा, अपने हाथों पैरों से कंपनों को महसूस किया, और उसके आगे वह अपने इस क्वालिटी को कैसे आगे बढ़ाती है, श्रोताओं तक किस लेके जाती है, उसके बाद उसको क्या उसको अवार्ड मिलते हैं, इस पर हम देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट सरप्राइजिंगली इल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ऑडियंस मैंने होता है श्रोता, डिलाइट्स में होता है आनंदित करना, और सरप्राइजिंगली ये एडवर्ब है, सरप्राइजिंगली सरप्राइज से बना है, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। तो आश्चर्यजनक रूप से यानी नॉट सरप्राइजिंगली, यानी कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एल्विन डिलाइट्स और ऑडियंस, कि एल्विन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है, यानी कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एल्विन डिलाइट मैंने आनंदित करना, हर मैंने अपने ऑडियंस मैंने श्रोताओं को, कि वह अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ दिया है प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मैंने होता है प्रदान करना, विथ हर रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज, ये नाम है। प्रेस्टिजियस मैंने होता है प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट मैंने एकल, अवार्ड मैंने पुरस्कार। तो यहाँ पर दिया है कि इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज, यानी कि वह रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित एकल ऑफ द ईयर अवार्ड करा, यानी कि वार्षिक पुरस्कार, यानी कि वार्षिक पुरस्कार से उसको क्या किया गया, उसको प्रदान किया गया 1991 में उसे फिल, यहाँ दिया है फिलहारमोनिक सोसाइटी का, यानी कि यहाँ दिया उस वर्ष का प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेजेंटेड माने होता है प्रदान करना, तो उसको प्रदान किया गया। आगे कहते हैं, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कहते हैं सेस मास्टर, मास्टर माने होता है कुशल, परक्यूशनिस्ट माने होता है तालवादक, जेम्स ब्लेड्स ये नाम है, जेम्स ब्लेड्स यानी कि कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट सी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में होता है असाधारण, इसको बोलते हैं असाधारण या अद्भुत। तो क्या हो जाएगा, जो जेम्स ब्लेड्स जो कि कुशल तालवादक हैं, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यानी भगवान ने क्या किया, हियरिंग मैंने होता सुनना, टेकन मैंने छीन लेना। तो क्या कहते हैं कि भगवान ने भले ही क्या किया है, भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति को छीन लिया है, भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति को छीन लिया हो, बट किंतु ही हैज गिवन हर बैक, तो किंतु उसने बदले में उसे कुछ असाधारण दे दिया है। आगे कहते हैं, व्हाट वी हियर सी फील्स,
फील्स मन होता है महसूस करना, हियर मन होता है सुनना। कहते हैं कि जो हम सुनते हैं, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं सी फील्स, उसे वह क्या करती है, वह अनुभूति करती है। इसे हम लोग सुन, जिसको हम लोग सुनते हैं उसे वह महसूस करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। फार मोर डीपली, डीपली मैंने होता है गहराई से, देन एनी ऑफ अस। कह रहे हैं कि वो सी फील वह अनुभूति करती है और एनी ऑफ अस यानी हम में से यानी कि कोई भी किसी से भी तो करे कहीं अधिक गहराई से यानी उससे भी अधिक, यानी कि जो हम लोग सुनते हैं वह महसूस करती है और हम में से वह किसी से और भी अधिक गहराई से अर्थात उसको वह महसूस कर लेती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, दैट इज़ वाई, इसी कारण से कह रहे हैं कि वह इसी कारण यानी कि दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेस मन होता है अभिव्यक्त करना, म्यूजिक मन होता है संगीत, ब्यूटीफुली मन होता है सुंदर, तो जाएगा दैट इज़ वाई यानी इसी का यही कारण है कि वह सो ब्यूटीफुली इतनी अधिक सुंदरता से वह संगीत को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट गॉड से लेकर, गॉड में हैव टेकन से लेकर सो ब्यूटीफुली, ये जेम्स ब्लेड्स जो कि एक कुशल तालवादक थे वो एल्विन के बारे में कहते हैं, पूरा स्टेटमेंट उनका दिया गया है। तो यानी वो कहते हैं कि भगवान ने जो है कि उससे श्रवण शक्ति छीन लिया है भले ही, परंतु वह उसको उसके बदले में बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके बदले में कुछ असाधारण दे दिया है और जिसको हम लोग सुनते हैं वह महसूस करती है और उससे भी कहीं अधिक हुआ यानी हम में से कहीं अधिक हुआ उसे को गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि वह इतनी सुंदरता से सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह इतनी सुंदरता से जो एक संगीत को महसूस या संगीत को अभिव्यक्त कर सकती है। इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।